अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब नामहरम आपस में बातें करते हैं तो उन दोनों के बीच में तीसरा शैतान होता है। इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, नौजवान लड़का और नौजवान लड़की आपस में फजूल बातों से दूरी इख्तियार करें, क्योंकि इनका ज्यादा गुफ्तगू करना इन दोनों की नफसानी ख्वाहिशात को उभारेगा। बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतर ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना कोई नामहरम उसको देखे। इमाम हसन अलैहि सलाम ने फरमाया, नामहरम मजबूरी या काम के तहत मुख्तसर बात करें, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जब नामहरम आपस में ज्यादा देर बातें करते हैं तो उनकी नेकियां इस तरह से खत्म होती हैं जिस तरह आग लकड़ी को खत्म करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान नामहरम से गैर जरूरी बातें करता है तो उसको चाहिए कि वो अपने ज़मीर के ईमान को देखे, क्योंकि वो दायरा मोमिन से निकल चुका है। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली, जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।